नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उड़द की दाल के मसाले वाले पकौड़े। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। उड़द की दाल के मसाले वाले पकौड़े बनाने के लिए हमने एक कप उड़द की दाल ली है, धुली हुई। इसको हम एक बाउल में डालेंगे और एक गिलास पानी डालेंगे और इसे 2 से 3 घंटे सोक करने के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे हो गए हैं, देखिए दाल हमारी फूल के तैयार हो गई है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और इस दाल के पानी को छान लेंगे। आप इसे 1-2 बार इस तरह से साफ पानी से भी धो लेते हैं। दाल हमारी धुल के तैयार हो गई है, इसको इधर रखेंगे और इस पानी को हम फेंक देंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें इस दाल को शिफ्ट कर देंगे। दाल को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसमें 50 ml पानी डालेंगे, लिड लगा के अब इसको हम फाइन पीस लेंगे। देखिए दाल हमारी पीस के तैयार हो गई है और दाल की कंसिस्टेंसी हमको ऐसी चाहिए, इस तरह की, बहुत ज्यादा पतली नहीं चाहिए। हम इसको एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे। आज हम उड़द की दाल की मसाले वाली पकौड़ी बना रहे हैं, इसलिए अब हम इसमें कुछ सब्जी और मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज ना डालें, ऑप्शनल है ये। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा साफ करके धोके काट के ले लिया है, ये भी डालेंगे इसमें। 8-10 काली मिर्च साबुत धनिया, इसको हाथ पे लेके और इस तरह से इसको करेंगे तो इसकी खुशबू निकल जाती है और इसमें आ जाएगी, ये बहुत टेस्टी लगता है इसमें। 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच सफेद नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो ना डालें। और 1 छोटा बाउल हरा धनिया बारीक कटा हुआ धुला हुआ, 1 पिंच हींग। उड़द की दाल में बेसन में हींग डालने से डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाती है, ये हल्की हो जाती है हींग डालने से, तो हम हींग डालेंगे 1 पिंच। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। इसके हम पकौड़े बनाएंगे, मसाले वाले उड़द की दाल के पकौड़े। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, अब हम तेल गरम कर लेते हैं। ये हाथ पे लगने लग जाती है तो समझ लीजिए हमारा तेल गरम हो गया है। इस समय हमारा तेल बहुत अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें भुजिया तोड़ देते हैं। कई बार पानी का अंदाजा नहीं रहता है तो दाल का घोल पतला हो जाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और अगर कभी पतला हो ही जाए आपका तो आप उसमें आटा मिला दें। आटा जब मिलाएं तो 1/2 चम्मच नमक भी मिला दें साथ में, आप अपने स्वादानुसार मिला दें नमक। ये देखिए दाल के पकौड़े कितने अच्छे बन रहे हैं। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को फिर से हाई कर देंगे। हमारे पकौड़े तलने लग गए हैं, देखिए इसमें कलर आने लग गया है गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको पलटेंगे, एक तरफ से ये टाइट हो गए, उलट पलट के इनको हम तल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे पकौड़े बनके तैयार हुए और चाय के साथ तो ये चाय का टेस्ट दोगुना बढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा स्नैक्स है ये। कुछ भी जब नहीं सूझ रहा हो, घर में कोई चीज नहीं हो, तो दाल भिगोइए, उड़द की दाल
3 से 4 घंटे में बहुत अच्छी भीग जाती है। और अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में भिगो दीजिए, गर्म पानी में तो ये 2 घंटे में ही तैयार हो जाती है। ये लीजिए, ये अच्छे से भीग जाती है तो पिस्ती भी बहुत अच्छी है, पकौड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े। इस समय हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। जिस समय हम पकौड़े डालते हैं कढ़ाई में उस समय फ्लेम हाई होना चाहिए। जब हम सारे पकौड़े डाल दें उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना चाहिए। और जब ये ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए ये तल गए हैं। अब हमारे ये पकौड़े तलना शुरू हो गए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आता जा रहा है इसमें। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। उड़द की दाल के दही बड़े मेंदू बड़े तो बहुत खाए होंगे, लेकिन उड़द की दाल के मसाले वाले चटपटे पकौड़े आप खाइए और कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको हमारे पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी। ये एकदम नई रेसिपी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारे पकौड़े तल गए हैं, हमारे पकौड़े अच्छी तरह से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। अब हम इनको इस तरह से किनारे से लगा के और बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितने क्रिस्पी पकौड़े बने हैं, कैसा साउंड कर रहे हैं देखिए आप। ये देखिए आपने देखा उड़द की दाल के मसाले वाले पकौड़े बनाना कितना आसान है। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए और कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको हमारी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। बाय बाय।